सिरसा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से झूठ की राजनीति कर रही है। अगर विकास कार्य की बात की जाए तो शहर में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है और लोगों को विकास के नाम पर झूठ बोला जा रहा है। अगर उज्ज्वल स्कीम की बात की जाए तो महिलाओं को सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लोग काफी परेशान चल रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि मगर देखना होगा कि 25 मई को जनता जनार्दन अपना क्या फैसला सुनाएगी। देखिए एएनबी न्यूज की कांग्रेस कार्यकर्ताओं से खास बातचीत। एएनबी न्यूज़ चैनल की टीम इस समय सिरसा में, और सिरसा की अगर बात की जाए तो ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग जो है हम लोग कर रहे हैं। आम जनता की जो आवाज़ है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता जनार्दन क्या चाहती है और उनके क्या समस्याएं हैं। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ भी हमने बातचीत करी, उन्होंने अपनी जो है विचारधारा रखी, और अब कांग्रेस के जो अपना कार्यकर्ता हैं वो भी हमारे साथ हैं। मगर एक बार फिर मैं अपने जो यहाँ के सहयोगी जो मेरे हैं उनसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि यहाँ पर कौन कौन जो दिग्गज हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और क्योंकि कांग्रेस की अगर बात की जाए, आपसे पहले जब चर्चा हमारी हुई थी तो आपने कहा था कि इस बार जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है अपनी सीट निकालती हुई सिरसा की दिख रही है। तो अगर बात की जाए जो हमारे साथ कौन कौन इस समय मौजूद, आज हमारे साथ कलांवाली हलके के जो कार्यकर्ता हैं, मेन कार्यकर्ता हैं जो कि कलांवाली से कांग्रेस के साथ पुराने काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वो हमारे बीच में, जैसे ओम प्रकाश लवाणी जी हैं, टोनी जी हैं, और मंगत सू जी हैं जो अपनी दावेदार भी रखते हैं कलांवाली विधानसभा के लिए, और तरसैम रोड़ी जी हैं, अपने बंटू जी हैं जो कांग्रेस के बढ़िया नेता हैं। और उस तरीके से आज हम जो बात करेंगे, पहले तो मैंने जो बताया था ग्राउंड लेवल पे जो पोजीशन थी कांग्रेस की, अब आप इनके जवानी सुनेंगे तो जो कांग्रेस की पोजीशन है वो उनसे बात सीधे बात करके जुड़ेंगे। अच्छा, सिरसा की अगर बात की जाए ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से भी बात हो गई, भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि उन्होंने बड़े काम जो है यहाँ पर किए, मगर आप बता रहे हैं कि फिर कांग्रेस का हिस्सा है। सर, अभी जो जहाँ पे कैंडिडेट आया है बीजेपी का अशोक तंवर जी, वो पहले कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं जी, उस टाइम स्टेट में भी कांग्रेस थी तो और सेंटर में भी कांग्रेस थी, लेकिन उन्होंने जनता की सुनवाई नहीं करी और ना ही कोई उन्होंने विकास कार्य को गति दी कोई। उस तरीके से जो मतलब बीजेपी का विरोध है वो कांग्रेस प्रत्याशी का ज़्यादा है, जहाँ पे अगर देखा जाए तो जमीनी लेवल पे जो विरोध हो रहा है ना, तो हर रोज देखते हैं गाबों में उनका विरोध है, तो वो सिर्फ तमर का विरोध ज़्यादा है, कैंडिडेट का विरोध ज़्यादा है, बीजेपी का कम है। तो जो शैलजा कैंडिडेट आई है कुमारी शैलजा जी, वो पहले सांसद रह चुके हैं यहाँ सिरसा से, और उनके पिताजी भी जहाँ से सांसद और विधायक रह चुके हैं, तो उस तरीके से वो एक लोगों में उम्मीद है भी इस बार कांग्रेस कुछ न्याय करेगी, और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनकी हाईकमान तक सीधी बात है तो उनको कोई मतलब दिक्कत नहीं रहेगी, और काम जहाँ पे विकास भी होगा वो सिरसा डिस्ट्रिक्ट को फायदा मिलेगा। तो अब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जरूर सवाल जरूर ले लेते हैं और चलते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मंगत असू जी। अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस का कह रहे हैं कि अगर आने वाली 25 तारीख का जो कांग्रेस जो कह रही है कि हरियाणा की 10 सीटें, किस तरह से देखें? बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में लहर है, 10 साल के बीजेपी के शासन से लोग अक चुके हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, बहुत आपने देखा जहाँ बुरा हाल है लोगों का, महंगाई ने बहुत बुरा हाल कर रखा, लोगों का जीना तो उबर कर रखा है, सिलेंडर उज्ज्वला के तहत दे दे के वो लोग बेचारे चूल्हे जला रहे हैं, फिर फूके मार रहे हैं। इस प्रकार अब लोगों ने मन बना चुके हैं हरियाणा के लोग कि सभी सीटें भी कांग्रेस को देनी है, बीजेपी को एक सीट भी नहीं आएगी। मगर बीजेपी तो लगातार कहती दिख रही है कि उन्होंने काम बहुत किए हैं, लोगों को मुद्रा लोन जो है वो दी गई, आयुष्मान कार्ड जो है वो बनाए गए, और उसके बाद उज्ज्वल स्कीम दी गई, और भी घर घर में शौच दिया, वो तो अपने पूरे कार्य जो उन्होंने पिछले 10 सालों में जो काम किए हैं वो बता रहे हैं। वो तो हवा हवाई बातें करती है बीजेपी, धरातल पर कुछ नहीं हुआ। मैंने आपको जब बताया उज्ज्वला का बुरा हाल है, एक एक सिलेंडर दे के पहले खाते खुलवा लिए करोड़ों महिलाओं से, 100-100 रुपये ले लिया, हर मुद्दे पर बीजेपी फेल है। इस प्रकार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, हाँ, और 10 सीटें जे भी जीतेगी कांग्रेस। अगर देश भर की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी पूरे भारत में, लोग अब मन बना चुके हैं, इनसे सरकार से तंग आ चुके हैं, जुमलेबाजी से रोज रोज झूठ कौन सुने, मोदी जी रोज नया झूठ लेके आते हैं। तो लगता है कि आपकी सरकार बन वो पूरे बहुमत से बनेगी हमारी सरकार गठबंधन के साथ। ये बीजेपी ने जो नारा दिया है 400 पार, जो बीजेपी ने जो नारा दिया है 400 पार, और हमारा बीजेपी ने नारा दिया है 400 पार, हमारा सिरसा वालों का नारा है अब की बार बहन कुमारी शैलजा 3 लाख पार, 3 लाख से बहन शैलजा को जिताएंगे पूरा सिरसा लोकसभा से, और 10 की 10 सीटें कांग्रेस जीतेगी। जय कांग्रेस, कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
बिल्कुल कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथ थे और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर हरियाणा की बात की जाए तो 10 की 10 सीटें जो हैं कांग्रेस की झोली में जाएंगी। हालांकि समा जो है ये बताएगा कि अगर 25 तारीख की बात की जाए तो जनता जनार्दन क्या फैसला लेती है और 4 तारीख को किस पार्टी की ताजपोशी होगी और हरियाणा में जो है कौन जो है अपना बाजी मारता दिखेगा, ये तो जनता जनार्दन का ही फैसला है। अगर सिरसा से कैमरा पर्सन विजय के साथ एनबी न्यूज़ के लिए अमित सेठी की रिपोर्ट।